एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं एक प्यारा से वीडियो में एमके ब्लॉग्स पटना पे। आज हम फिर से आए हुए हैं हरियाली सब्जी मंडी अंटा घाट के पास, और यहाँ पे एक पहले वीडियो हम बनाए थे विजय होटल का, उसी का एक ब्रांच हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मतवाली होटल, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर हैं भैया वो पहले विजय होटल में काफ़ी टाइम तक मटन बनाए थे, खाना बनाए थे। अब ये अपना होटल स्टार्ट किए हैं और 15-20 साल से ये अपना होटल चला रहे हैं। तो यहाँ पे सुने थे कि बहुत ही अच्छा मटन खिलाया जाता है, यही इनका होटल है, देख सकते हैं यही इनका सेटअप है, यहीं पे बैठा के खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है। तो आइए यहाँ पे मटन बनता कैसे है वो दिखाते हैं आप सबको, और यहाँ का मटन का टेस्ट कैसा रहता है वो खाकर हम बताएंगे मटन का टेस्ट कैसा रहता है। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये आप सबको कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप सब प्यार दीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड में और जो भी पटना में रहते हैं फैमिली वाले उनको शेयर भी कीजिए। और यही है यहाँ पे हरियाली मंडी, यहाँ का लोकेशन यही है कि आप गांधी मैदान से जैसे ही अशोक राजपथ की तरफ बढ़िएगा ना, तो जैसे ही थोड़ा सा बढ़िएगा तो हरियाली मंडी लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, और उसी के अंदर में अंटा घाट है, वहीं पर आगे में चल के विजय होटल है, और सबसे पहले इनका यही मतवाली होटल ही मिलेगा जो कि सबसे पहले होटल है। और ऐसे विजय होटल तो काफ़ी पुराना है, इनका 15-20 साल पुराना होटल है और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको मटन बनाने का। तो चलिए आइए दिखाते हैं आप सबको कैसे बनता है मटन। यहाँ पे मटन बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये इनका फ़ोरन के लिए निकाला गया है जिसमें गोलकी है, और ये तेज़पत्ता, और ये लाल वाला मिर्च, फ़ोरन डाला जा चुका है इसमें मसाला भूजने के लिए। अच्छा, ये मसाला भूजने के लिए प्याज अलग निकाल लेते हैं? हाँ, मसाला अलग से डलाएगा। अच्छा, ये हुआ मसाला के लिए, और ये मटन के लिए इतना प्याज गलाइएगा। हाँ, ये इसमें नमक डाला जा रहा है, ये इनका अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी पाउडर आया, ये इसमें हल्दी काफ़ी कम डाले, वो हल्का कलर कर लिए। अच्छा, बाद में और पड़ेगा है ना, बाद में मसाला में पड़ेगा। ये मटन का मसाला तैयार होने के लिए यहाँ पे कढ़ाही लग चुका है, यह कढ़ाही गर्म हो चुका है और इसमें तेल डाला जा चुका है, ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये मसाला बनाने के लिए प्याज इसमें डाल। यहाँ मतवाली होटल में चुस्ता गर्म पानी में साफ़ किया जाता है, ये गर्म पानी में साफ़ करते हैं ना भैया? हाँ, गर्म पानी है, गर्म मार है। अच्छा, चावल का बना हुआ जो पानी है, हाँ, वो वाला है ना, उसी में साफ़ कर देते हैं, और ये इधर धो धो करके रखा जा रहा है। आधा प्याज गल चुका है, अब इसमें चुस्ता डाला जा रहा है, मटन से पहले यहाँ पर चुस्ता ही डाला जाता है। इसमें लहर है ना, लर चुस्ता सब है, चर्बी उर्बी लर हुआ, ये इनका लर है जो कि छोटा छोटा पीस में काटा हुआ है। हाँ, ये यहाँ पे 15-20 मिनट तक प्याज को भूंजे हैं, ये लाल हो गया है प्याज, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, अदरक लहसुन है ना जी, ये धनिया पाउडर इनका आया, ये इनका हल्दी पाउडर आया, और ये आया इनका मिर्चा पाउडर, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पिसवा के लगता है रखे रहते हैं ना भैया। ये कितना मसाला एक बार पिसवा लेते हैं? वो 7-8 किलो का ही वो पिसाता है। अच्छा, और ये कितना दिन कितना टाइम तक चलता है मसाला? हाँ, 15-20 का लेते हैं। ये यहाँ पे मटन के लिए अलग से ही मसाला तैयार करते हैं ना। हाँ। और ये होटल का नाम बड़ा यूनिक है भैया, जो होटल का ओनर हम ये हैं। अच्छा, आप ही हैं जी, तो ये मतवाली कैसे नाम रखे? अच्छा, आप ही का नाम है क्या मतवाली? हम ही हैं मतवाली। अच्छा, बड़ा यूनिक नाम है। सब फेमस बना दिया मतवाली से बच्चे से रह के। अच्छा, ऐसे कोई और नाम है क्या? सकलदीप महतो नाम हुआ इसे। ऐसे सकलदीप महतो, और ऐसे सब मतवाली मतवाली बुलाते हैं, मतवालिये के नाम से फेमस है। मटन आ गया है, अभी अच्छे से धोया जाएगा यहाँ पे, और धो करके इसमें निकालेंगे मटन, ये मटन धो करके इसमें निकाल रहे हैं। ये देखिए, इनका प्याज गल चुका है, और पहले चुस्ता और मटन का तेल डाला गया था, अब ये मटन अच्छे से धो करके यहाँ पे मटन डाला जा रहा है इस। ये कितना केजी मटन है भैया? 8 किलो। 8 केजी मटन है ना। हाँ। आज 8 ही केजी बन रहा है? हाँ, आज संडे है। अच्छा, कस्टमर कम आता है संडे का। तो ये मतवाली होटल कितना टाइम से आप चला रहे हैं भैया? 17-18 बस तो अपना चलाला हो गया। अच्छा, इसके पहले कहीं और काम करते थे क्या? विजय भी अगर काम करते थे, विजय होटल। अच्छा, विजय होटल जो यहीं पास में है उसी में काम करते थे? बच्चे से हुए रहते थे। अच्छा, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, मतलब बचपन से काम करते थे? 30 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 30 साल से मटन बना रहे हैं ना। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका भी मिलता होगा, मतलब विजय होटल और आप सेम रहता है क्या? सेम रहता है।
अच्छा, फर्स्ट में विजय भी है, सेकंड में प्लॉट पर हम है। और यहाँ पे कितने बजे खिलाना शुरू करते हैं और कितने बजे लास्ट है? 9 से 5। और प्राइस क्या रखे हैं मटन और चावल का? 2 पीस मीट चावल 150, भर पेट जितना खाइए चावल रोटी। अच्छा, रोटी जितना लेना है लीजिए, है ना? मेरे यहाँ अभी दूसरा यहाँ कोई उपाय नहीं। आपके यहाँ मतलब अनलिमिटेड रोटी अनलिमिटेड चावल दे सकते हैं? हाँ, मेरे ही है। अच्छा, और यहाँ पे बाहर वाला रहता है नहीं? यहाँ पे भेज खाना भी आपके यहाँ मिलता है ना? हाँ, भेज खाना मिलता है सब। भेज में क्या क्या रखते हैं? वही दाल भात सब्जी चोखा चटनी। अच्छा, टमाटर का चटनी आज बन रहा था ना? टमाटर का चटनी बनता है, चोखा बनता है, ऐसे बढ़िया बनता है। और का अलग से बॉयल करके मसाला भुंजिया करके डालने से सोना सोना लगता है मीट। अच्छा, मतलब दोनों एक साथ ऐसे इसीलिए नहीं बनाते हैं ना? नहीं। काफी आप स्ट्रगल किए हैं ना भैया? हाँ, तो बहुत दिक्कत की है, तब ना अभी जाके छोलनी चला रहा है। अच्छा, बच्चे से बोरा और के सूते है, चेक साबुन से नहीं आया है बच्चा में, तब इलाज भाई साबुन से नहीं आ रहा है। चेक साबुन से ना आए हैं? हाँ, चेक साबुन से नहीं आते थे, क्या करे, गरीबी रेखा था वो घड़िया। अच्छा, अभी तो चेक साबुन मिलो नहीं करता अभी। तो अब आपका होटल अच्छा खासा चल रहा है ना? अब चल रहा है भगवान के दिन से, बहुत बढ़िया। आधा घंटा तक इस मसाले को भूने, उसके बाद ये मटन जो बन रहा था मसाला मिक्स किए हैं। अब इस मटन का कलर देख सकते हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले इसमें कुछ नहीं डाला हुआ था तो मटन का कलर एकदम फीका फीका लग रहा था, और ये मसाला इसमें डाला जा चुका है। ये तड़का जैसा मसाला उधर फ्राई किया और इधर लगा दिया ना भैया? तड़के लिए समझिए है ना। हाँ, अब इसका कलर जो है एकदम लाजवाब दिख रहा है, और इसका खुशबू भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे आ रहा है। और खुशबूदार देगा सामान बनेगा तब, अभी और खुशबू आएगा, है ना? हाँ, आइटम पड़ेगा ना अभी। अच्छा, और कलर और बेहतर होगा? और भी बेहतर होगा। कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह कुछ डाले नहीं? नहीं, कुछ तो हम थोड़े डालते हैं, वैसे ही कलर आ जाएगा, देखिए ना आपको सामने ना बन रहा है सब। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला गया है, फिर भी मटन का कलर बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पे मटन। अभी और सुंदर दिखाई देगा, मिलेगा तब ना। अभी और अच्छे से मिक्स होगा तो और अच्छा दिखाएगा, है ना? ओए होए होए, इस मटन का लाजवाब खुशबू आ रहा है और बहुत ही लाजवाब कलर दिख रहा है इस मटन का। बहुत ही सुंदर है इस मटन का कलर। एकदम 30 साल का एक्सपीरियंस भैया एक ही बार में मटन बनाने में पूरा डाल देते हैं, है ना भैया? एकदम बहुत ही कम मसाला यूज करते हैं आप। कश्मीरी लाल मिर्च यूज ही नहीं किया? नहीं, नहीं कुछ नहीं यूज करता। फिर भी कलर कम नहीं दिख रहा है, एकदम कलर लाजवाब दिख रहा है। कलर बनेगा, पानी पड़ेगा तो थोड़ा और बढ़िया कलर बनेगा। अच्छा, इसमें और ग्रेवी के लिए पानी डालिएगा, है ना? डालेंगे तो कलर पकड़ लेगा, रोगन छोड़ देगा लाल लाल। अच्छा, रोगन तो अभी ऊपर आ गया है इसका, और छोड़ेगा? और छोड़ेगा। अच्छा, ये भैया का बोलना है कि रोगन अभी और छोड़ेगा, हालांकि रोगन इसका ऊपर आ गया है, देख सकते हैं चारों तरफ आ गया है रोगन। ये देखिए, ये मटन अब लगभग बन के तैयार हो गया है, और ये इधर मटन का तेल और चुस्ता निकाल के रखें। ये अलग क्यों रखे भैया? सीज गया है, गल रहा है। अच्छा, ये पहले गल जाएगा, है ना? ये पक चुका है अच्छे से, गल ना जाए इसलिए मटन से पहले ही निकाल के बाहर रख दिए हैं। अच्छा, फिर डालिए उसी में। अब ये मटन बन के तैयार हो गया है लोगों के खाने लायक, देख सकते हैं इसका रोगन चारों तरफ आ गया है अब मटन का, और ये लोगों के खाने के लिए सर्व होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, और कुछ लोग खा रहे हैं पहले से, कुछ सादा खाना खा रहे हैं, कुछ कलेजी खा रहे हैं। कलेजी यहाँ पे सुबह में बन जाता है, उसका वीडियो हम किसी और दिन लेकर आएंगे, कलेजी कैसे बनता है, स्टू मटन इनका कैसे बनता है। और ये मटन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रहा है। चलिए, अब हम भी यहाँ पे मटन खाते हैं और टेस्ट आप सबको बताते हैं कि कैसा है यहाँ का मटन का टेस्ट। तो ये मतवाली होटल का खाना मेरे पास आ गया है। ये देखिए, यहाँ पे टमाटर का चटनी भी बनाते हैं और काफ़ी अच्छा बनता है, सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं यहाँ पे टमाटर का चटनी। और ये है इनका मटन जिसके लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, और आप सबको टेस्ट बताते हैं रोटी के साथ इस मटन का कि कैसा है टेस्ट। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे मटन के साथ एक प्लेट अगर लेते हैं ना, तो रोटी जितना आपको लेना है उतना लीजिए, और ऐसा हम पटना में कहीं नहीं देखे हैं। ज़्यादातर होटल में लिमिटेड रोटी लिमिटेड चावल ही मिलता है, यहाँ पे जितना रोटी लेना है आपको 8 खाना है 8 खाइए, चावल अगर 2 प्लेट भी खाना है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ मटन का पैसा लगता है और एक प्लेट का खाना का पैसा लगता है। तो आइए हम मटन खाते हैं। ये देखिए, ये इनका मटन है जो कि अभी गर्म है, खाते हैं यहाँ पे मटन कितना अच्छा पका हुआ है और इसका टेस्ट कैसा है वो हम खाकर बताते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा मटन पका हुआ है, ये देखिए कितना आसानी से टूट गया, बहुत ही लाजवाब और शानदार। देखिए, जहाँ से तोड़ रहे हैं ना वहीं से मटन टूट जा रहा है। अब आइए टेस्ट बताते हैं आप सबको। ये रोटी के साथ हम एक वाइट लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं,
ये है सिर्फ मटन, ये रोटी के साथ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मटन है। अब आइए इसको खाकर बताते हैं आपको टेस्ट। तो मटन का टेस्ट वाकई में बहुत ही लाजवाब है यहाँ। जैसा हम सुने थे कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलता है मतवाली होटल में मटन का, तो एकदम वैसा संतुष्ट हैं, खूब बहुत ही सुंदर टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब। यूँ ही नहीं इतने सारे लोग यहाँ पे मटन खा रहे हैं, और सुबह से हम जब से आए हैं तब से लोग खा ही रहे हैं, और बहुत लोग आगे पूछे कि कब बनेगा, तो कुछ लोग अभी भी आए हैं। तो यही कहेंगे कि जब भी आप अंडा घाट की तरफ आते हैं तो एक और मतवाली होटल में खा के देखिए मटन, बहुत ही सुंदर टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, एकदम संतुष्ट हो जाइएगा खा के। और यहाँ पे रोटी भी मिलता है, चावल भी मिलता है, सब कुछ सामने ही बनता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे सलाद भी आ जाता है, खीरा, प्याज, नींबू, हरा मिर्च, सब कुछ दिया जाता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं, सामने में मटन रखा हुआ है, रोटी रखा हुआ है, अब रहा नहीं जा रहा है। तो वीडियो को प्यार दीजिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अभी तक देख रहे हैं और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए लोकेशन पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय बाय।